क्षेत्र में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे पेयजल समस्या बढ़ने लगी है। इसके बावजूद शहर में लीकेज की समस्या दूर नहीं हो पा रही। शहर के अलवर गेट जलदाय विभाग के बाहर शनिवार को भारी लीकेज के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। शहर के जलदाय कार्यालय के बाहर सड़क के पास पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जबकि लीकेज जलदाय कार्यालय के सामने स्थित है। इसके बाद भी इस लीकेज को सही करने की जिम्मेदारी कोई कर्मचारी नहीं उठा रहा। पानी लीकेज होने से पानी फैलता रहा और जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। किल्लत है, लगातार पानी की सप्लाई नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, ये अलवर गेट जलदाय विभाग के पास पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप लगाए गए हैं, यहाँ से कोई लीकेज हो गया है। और यहाँ पर देखिए, पिछले दो घंटे से लगातार इसी प्रेशर से पानी व्यर्थ बह रहा है और वह गंदे नाले में जा रहा है, जबकि जलदाय विभाग यहाँ पर पास में ही है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। वहीं जलदाय विभाग पर तोपदड़ा के क्षेत्रवासी गंदे पानी की सप्लाई की समस्या लेकर पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने बताया, क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा अवैध पानी के कनेक्शन ले रखे हैं, जिससे पाइपलाइन में लीकेज है। लीकेज के दौरान गंदा और बदबूदार पानी पाइपलाइन में घुस जाता है, वहीं सप्लाई के दौरान घरों में पहुंचता है। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। थाने के पास में अपने पानी पीने के लिए जनता के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ खूब पानी बह रहा है फुल। क्या देख रहा है आपको, कितना ज्यादा बह रहा है? ये लिमिट से बाहर हो गया, पूरी मतलब वो खुली हुई है पाइपलाइन। और पास में जलदाय विभाग का ऑफिस है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पास में ही उसके जलदाय विभाग का ऑफिस। वो नहीं कोई देख रहा? वो कोई नहीं देख रहा, सारे आँख बंद करके बैठे हुए हैं। क्या होना चाहिए आपकी तरफ? जनता को पानी मिलना चाहिए और ये इस पे रोक होनी चाहिए। प्रशासन को इन पे ध्यान देना चाहिए, इन पे ही पाबंदी करनी चाहिए। तो दड़ा सा हूँ, हमारी समस्या ये है कि हमारा ये जो पानी आ रहा है, इतना बुरा पानी आ रहा है, हरारा पानी आ रहा है काई का, और एक हफ्ता हो गया उस पानी को, और आए दिन वहाँ पे लीकेज हो जाता है पानी, सही करा दे वहाँ पे लीकेज हो जाता है। और इस पानी को आप सुन के देखिए, कितना बुरा बदबू मार रहा है पानी। वो धोबी समाज के जो लोग हैं, उन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, उनको कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वो जब देख मर्जी खोद देते हैं, वहाँ से अलग कनेक्शन ले रहे थे, उनका पानी हमारे पाइप लाइन में आ रहा है। इस पानी को देख के आप सुन के कितना बुरा मौसम, एक तरफ आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बह रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बरसात हो रही है, उधर वाटर बस के नीचे देखिए आप, कितनी बुरी तरह पानी बह रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बंद करो उसको पानी को, अवैध खोल के बैठ गए, और हमारा जो पाइपलाइन को सही कराओ। सारी पब्लिक परेशान हो रही है, पानी नहीं आ रहा हमारे, इतना जो इतना बुरा पानी आ रहा है, ना पी सकते, सूंघ ही नहीं सकते, पीने के बहुत दूर की बात है। ये अलवर गेट थाना है, पुलिस थाना है, और पास के अंदर ही वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क्स के पास में नाला है, नाले के नीचे ही पानी बहुत वेस्टेज बह रहा है, और कम से कम एक घंटा हो गया इसको, और इसकी फोटो आप खींच के देख सकते हो। अभी ये बताओ, पानी आपके घरों में, अपने घरों में हमारे तीन तीन दिनों में आ रहा है? हाँ। और यहाँ कितना व्यर्थ पानी का, यह बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज हो रहा है, जबकि 72 घंटे के अंदर पानी दे नहीं दे रहे हैं, और यह पानी बहुत वेस्ट जा रहा है, और जबकि लोगों को पानी की कोई सुनाई नहीं है, कोई कदर नहीं है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि इसकी रोक करे पहले तो, और उसके अलावा इसी पानी को लोगों को सप्लाई करे, तो लोगों को पानी तो मिला आज, एक एक बूंद के लिए पब्लिक तरस रही है, तो उसका यूज होना चाहिए ना पानी का। टाइम ऐसा है कि पानी की इतनी दिक्कत आ रही है, सब जगह एक एक बूंद को बचाने की सरकार योजना चला रही है, एक एक बूंद बचाओ, और एक एक बूंद बचाने के चक्कर में ये यहाँ पर पूरा भंडार भरा हुआ पानी का, पूरा इतना खोल दिया जैसे कोई लावारी से कोई कीमत ही नहीं है इसकी, बिल्कुल फालतू पानी जा रहा है, किसी के यूज में नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए? इस पानी का यूज होना चाहिए सही तरीके से, सिस्टम से होना चाहिए, और डिपार्टमेंट दिए तले अंधेरा हो रहा है, पूरा डिपार्टमेंट पास में है, और इनकी नज़र नहीं पड़ रही पानी किस हिसाब से क्यों बह रहा है। इस पानी को कहीं दूसरी जगह सप्लाई करे आज, तो उनकी प्यास बुझे।